ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಬೆಳ್ರು ಮೇಡಮ್. दस का मामला है, नागौर ज़िले में ताऊसर गांव में एक परिवादी था. उसने एसीबी में आके शिकायत की कि भाई मेरे घर के ऊपर से विद्युत लाइनें जा रही है, और उनको हटाने के लिए उसने प्रार्थना पत्र पेश किया एएन साहब के सामने, एएन आरएसीबी नागौर के सामने. तो उसके बाद उसने उन लाइनों को हटाने के लिए उस समय के जेईएन और हेल्पर था बाबूलाल राव, उससे आके संपर्क किया कि भाई मेरे ये लाइनें घर के ऊपर से हटाइए, जान माल का खतरा है. तो उन लोगों ने उससे 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की. उसके बाद उसने आके एसीबी में कंप्लेंट की कि भाई मेरे से उन्होंने 20,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग की है. एसीबी इस तरह किसी पे विश्वास नहीं करती, इसलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टेबल राकेश को भेजा उसके कंप्लेनेंट के साथ, और उस डिमांड का सत्यापन करवाया. वहाँ जाके बाबूलाल से उसने बात की, तो 20,000 रुपये से बात होते होते उसने 6,000 रुपये रिश्वत की राशि पे उनका लेन देन तय हुआ. उसको देने के लिए वैसे वापस एसीबी आया. एसीबी वालों ने उन 6,000 रुपये पे फिनोफ्थलीन पाउडर लगा के और ट्रेप की कार्रवाई शुरू की. अगले दिन जाके जैसे ही उसने हेल्पर को 6,000 रुपये दिए, एसीबी वाले पहुँच गए. तो हेल्पर घबरा गया, उसने तुरंत जेब में से नोट निकाल के वहाँ पर एक जो उनके डेली के खाने वाने के लिए चूल्हा बना हुआ था मेस में, उसमें डाल दिए, चूल्हे की राख में नोट घुसा दिए. एसीबी ने वो नोट वहाँ से बरामद कर लिए. बाद में रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, ट्रायल चली. ट्रायल के बाद उसको 2 साल तो रिश्वत मांगने के आरोप में और 2 साल उसको रिश्वत लेने के आरोप में सजा हुई, साथ में 5,000 रुपये जुर्माना. आरोपी के वकील ने कहा कि साहब वो तो अधिकृत ही नहीं था ये कार्य करने के लिए, ना तो वो अधिकृत था, ना ही उसके पास कोई काम पेंडिंग था, एप्लीकेशन भी उसके सामने मूव नहीं की गई थी. मगर मैंने ये न्यायालय के समक्ष रखा कि भाई कार्य तो अधिकतर हेल्पर ही करते हैं जाके, तार हटाने का काम तो कोई एएन करता नहीं है, और उसने रुपए मांगे, ये उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग में सत्यापन है उसके मांग का, और रुपये उसके बरामद हुए चूल्हे से, मगर उसकी जेब का जो धोवन लिया उसमें फिनोफ्थलीन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई जो FSL से साबित हुई. इसलिए न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए उसको दोनों धाराओं में 2-2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया.